और हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में मेरा माटी मेरा देश अभियान के तहत वीरों को नमन कर घर घर से मिट्टी एकत्रित की गई। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी इस अभियान में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेना का मनोबल बढ़ा है। मेरी माटी मेरा देश अभियान पूरे राष्ट्र को देश प्रेम की भावना से जोड़ता हुआ लगातार आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में भी मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत वीरों को नमन किया गया। जिले के नादौन में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर अमृत कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें अनुराग सिंह ठाकुर समेत काफी बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। अमृत कलश में अमृत वाटिका के लिए घर घर से मिट्टी एकत्र की गई, देशभक्ति के नारे लगाए गए। भाजपा के कई पदाधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इस अभियान से देश के युवाओं को काफी प्रेरणा मिल रही है। 30 अक्टूबर को देश भर से 75,000 से ज्यादा युवा आएंगे, 7500 से ज्यादा ब्लॉकों से एवं शहरी क्षेत्रों के वार्ड से अमृत कलश यात्रा जो निकली है उनकी मिट्टी को एकत्र करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन युवाओं को संबोधित भी करेंगे और उसी दिन अमृत वाटिका वहां पर बनाई जाएगी जो इंडिया गेट पे बनेगी और आज़ादी का अमृत मेमोरियल ये भी वहां पे बनेगा ताकि देश के युवाओं को भविष्य के लिए प्रेरणा मिल सके और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाए। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा सेना का मनोबल बढ़ाया है और आज कोई अगर सेना पर प्रहार करता है तो उसे दोगुना जवाब दिया जाता है। मेरी माटी मेरा देश एक अभियान न होकर अब एक आंदोलन बन चुका है, जिसमें पूरे देश के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और देश के वीर सपूतों को नमन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़।